आप देख रहे हैं KSN 24, पल पल की खबर। नमस्कार, मैं हिमानी सिंह और आप देख रहे हैं KSN 24। KSN 24 की खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का आज आखिरी दिन में सभी नगर पंचायत पर मतदान का कार्य पूर्ण हो चुका है। सभी पेटियों को सील कर स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रख दिया गया है। 24 तारीख को होगी वोट की गिनती। वहीं चुनाव परिणाम को लेकर सभी प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है। जांजगीर चांपा जिले के टेम्पल सिटी सूर्य नारायण में आज चुनाव के आखिरी दिन नगर पंचायत के सभी 15 वार्डों में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। नगर के सभी मतदाता पोलिंग बूथ पर जाकर अपने चहेते प्रत्याशियों को मतदान किए। शाम 5 बजे के बाद मतदान करने का समय समाप्ति के बाद पीठासीन अधिकारियों ने मतपेटी को प्रत्याशियों के सामने सीलबंद किया और अभी मतपेटियों को स्कूलों से निकालकर पुलिस सुरक्षा के साथ स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखवाया गया है, जहां 2 दिनों तक पेटियों की सुरक्षा के लिए भारी पुलिस सुरक्षा बल तैनात है। 24 तारीख को मतगणना का कार्य होने के बाद उसी दिन अधिकारियों के द्वारा चुनाव परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। आज नगरीय निकाय निर्वाचन 2019 के अंतर्गत नगर पालिका सूर्यनारायण में चुनाव कराया गया। इसमें जो है कुल 83.18% जो है मतदान हुआ और मतदान के पश्चात जो है अभी यहां सांस्कृतिक भवन सूर्यनारायण में जो है सारी पेटियों को जमा किया जा रहा है और ये हमारा स्ट्रांग रूम है, यहां सारी पेटियां सुरक्षित रखी जाएंगी। सर कब डिक्लेयर होगा परिणाम? जो है वो मतगणना का दिनांक 24 तारीख है, 24 तारीख को जो है परिणाम हमारा जो है आएगा। अब देखना यह होगा कि 24 तारीख को जनता किसके सर पर जीत का ताज पहनाती है। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में शासन प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की थी, जिसमें चुनाव शांतिपूर्ण हुआ। KSN 24 न्यूज के लिए सूर्य नारायण से सर्व सार्थी की रिपोर्ट।